हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क केक। पता है क्या चीज़ से बनाने जा रहे हैं? जो घी बनाते हैं उसमें जो मावा निकलता है उसी से हम मिल्क केक मिठाई बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने घी से निकला था ये 200 ग्राम मावा है, ये 4 चम्मच हमने ये मिल्क पाउडर लिए हैं और 4 चम्मच कोकोनट पाउडर लिए हैं और 100 ग्राम चीनी लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें मावा था जो हम डाल दिए हैं। घी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जब कढ़ाई में जाएगा तो खुद घी रिलीज करेगा, तो इसलिए घी इसमें डालना नहीं है। और इसको चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए भूनना है, तो घी अपने आप छोड़ देगा। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेते हैं, मिल्क पाउडर से क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और खाने में भी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें इसको ऐसे चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी ऐड करके 1 मिनट भूनेंगे। फिर अभी हम इलायची ऐड कर रहे हैं फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। दूध हमने 200 ग्राम मावा लिया है, तो 200 ग्राम दूध इसमें ऐड हो जाएगा। फिर तो 200 ग्राम हमने दूध ऐड कर दिए हैं। अब इसको ऐसे पकाते हुए चलाते हुए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये बनकर बिल्कुल बहुत कम टाइम में रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर रहे हैं। हम वीडियो को बहुत ही छोटा बना रहे हैं ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं इसमें। अब देखिए ये 2-3 मिनट के बाद ही इसका कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। और जब हम देसी घी घर में बनाते हैं तो उसमें जो मावा निकलता है, अब देखिए इसमें हम ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐड कर दिए हैं और जो मावा निकलता है उसको कहीं कहीं खोरचन भी बोलते हैं। इसे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन जाता है फ्रेंड्स। तो कितना लोग इसको फेंक देते हैं, पर फेंकना नहीं है, इसे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन जाता है फ्रेंड्स। पर एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मलाई ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सिर्फ 10 से 12 दिन का होना चाहिए, तब इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं आएगा और हमारा मिठाई मिल्क केक बिल्कुल हलवाई जैसा बन के तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ट्रे ले लिए हैं, उसमें हमने वायर लगा दिया और सारा जो भी मिश्रण था हम इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको ऐसे फैलाते हुए हम एक शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कलछी से ऐसे इसको चम्मच से जो भी हो आपके पास उससे आप इसको अच्छा सा एक शेप दे दीजिए और इसको आप 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा, बिल्कुल जम जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कितने अच्छे से हो गया। आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, ड्राई फ्रूट से अच्छा सा टेस्ट आएगा खाने में। हमने ड्राई फ्रूट्स में नारियल लिए हैं जो ऐसे छोटा छोटा पतला टुकड़ा में कट कर लिए हैं, ये खाने में बहुत ही ऐसे टेस्टी लगता है। कुछ काजू लिए हैं और किशमिश लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम 2 घंटा रेस्ट पे रख देंगे। 2 घंटा के बाद बिल्कुल ये जम जाएगा और बिल्कुल हलवाई जैसा मिल्क केक बन के तैयार होगा। कोई आप खाने के लिए किन्हीं को दीजिएगा तो खा के नहीं बता सकते हैं फ्रेंड्स कि आप घर में बनाए, बिल्कुल ये हलवाई जैसा बन के तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 घंटा रेस्ट पर रखे थे, 2 घंटा के बाद देखिए इसका कलर कुछ ऐसा आया है, बिल्कुल हलवाई की जैसा आया है। अब इसको हम बर्फी का शेप दे रहे हैं फ्रेंड्स। आपको जो भी मन रहेगा आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, आप इसको लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे कट कर रहे हैं, देखिए हमने कट कर दिए, कितना बढ़िया बन के बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा
अच्छा ये मिल्क केक बन के बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल अंदर नहीं चिपका है, देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बन के बिल्कुल रेडी हो गया। आप चाहे तो इसको नारियल के बुरादा में भी ऐसे करके आप मिल्क केक बना सकते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे चाहे वैसे बनाइए फ्रेंड। देखिए मैंने सर्व करके आपको दिखा दी एक प्लेट में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं कोई वीडियो डालूँगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। और लाइक भी करिएगा और फ्रेंड लोग फैमिली में आप शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस तरह की मिठाई बना के टेस्टी टेस्टी खाए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।